88 सीटों पर वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने बंगाल बिहार यूपी में तीसरे राउंड का माहौल तैयार किया। पब्लिक रैली में विरोधियों की तुष्टीकरण वाली फाइल खोली। पश्चिम बंगाल में मोदी का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। मालदा में मोदी के रोड शो में यही दिखा है। दूसरे फेज की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धुआंधार प्रचार किया। पश्चिम बंगाल टू यूपी वाया बिहार मोदी ने तीसरे फेज के लिए माहौल तैयार कर दिया है। कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूँ तो कुछ लोग आग बगुला हो जाते हैं। टीएमसी वाले चुपचाप कांग्रेस के एजेंडा को मौन रह करके समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटर्स का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों की 95 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे चरण से मोदी ने चुनाव का मूड बदल दिया है। तुष्टीकरण पर जमकर अटैक कर रहे हैं। दिल्ली में मेयर के चुनाव पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए। आम आदमी पार्टी ने आज सदन से सड़क तक हंगामा किया। दिल्ली में मेयर का चुनाव टला तो यही तस्वीर दिखी। एमसीडी सदन में आम आदमी पार्टी ने तख्तियां दिखाई, बीजेपी को दलित विरोधी बताया। ये संग्राम सदन से सड़क तक भी पहुंच गया। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी वाला पोस्टर लहराया गया। मेयर चुनाव टाले जाने के लिए भी आम आदमी पार्टी बीजेपी को ही जिम्मेदार बता रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया था कि 5 साल में एक बार दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर बैठेगा, वो अधिकार खत्म कर दिया। दिल्ली में भी चुनाव खत्म कर दिया। बीजेपी ने कहा ना, दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। आज दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तय था, लेकिन एलजी ने 25 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया और चुनाव कैंसिल हो गया। 24 अप्रैल को चुनाव आयोग ने मेयर चुनाव की मंजूरी एमसीडी को दी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी पर पेच फंस गया। एलजी को पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव सीएम देते हैं, लेकिन केजरीवाल जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का असर दिखाई पड़ने लगा है। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव टलना इसका एग्जाम्पल है। तिहाड़ में केजरीवाल की हेल्थ को मेडिकल टीम मॉनिटर कर रही है। जेल से बाहर पार्टी के लिए केजरीवाल का काम उनकी पत्नी ने संभाल लिया। केजरीवाल की हेल्थ पर नजर रखने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की टीम एक्टिव है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में सुबह शाम इंसुलिन की डोज दी जा रही है। तिहाड़ प्रशासन और मेडिकल बोर्ड की टीम मिलकर केजरीवाल की सेहत पर नजर रख रही है। उधर आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन के लिए प्लान बी रेडी कर लिया है। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कमान संभाली है। कल से सुनीता केजरीवाल राजनीति में फुल एक्टिव हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन की बागडोर संभाल लेंगी। दिल्ली में कल सुनीता केजरीवाल का रोड शो होगा। सुनीता केजरीवाल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में प्रचार करेंगी। अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी खुद प्रचार में उतरेंगी। सुनीता केजरीवाल 2020 के दिल्ली चुनाव में भी एक्टिव नजर आई थीं। तब उन्होंने केजरीवाल के समर्थन में पर्चे बांटे थे, लेकिन पति के जेल जाने के बाद पत्नी का रोल बदल गया है। महाराष्ट्र के मुस्लिम नेता कांग्रेस के खेल से परेशान है, पूछ रहे हैं कि दगा क्यों दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी पार्टी से बढ़ती जा रही है। 5 बार के मंत्री नसीम खान ने कांग्रेस पर मुसलमानों से बेवफाई का लेवल लगा दिया है। प्रदेश में एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं, राजस्थान में एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं, गुजरात में एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं, झारखंड जैसे राज्य में एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं, महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रामी राज्य के अंदर 48 में से एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं। तो कहीं ना कहीं समाज में ये बेचैनी जरूर है और इस बेचैनी को मैं आला कमान को ब्रीफ करूंगा। महाविकास अघाड़ी ने 48 सीटों में एक भी सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है। 2019 में कांग्रेस ने 7 मुस्लिम्स को टिकट दिया था, इस बार एक भी टिकट नहीं दिया गया है। नसीम खान के मुताबिक कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम आबादी है। 48 में 4 सीटों पर 21-30% मुसलमान है। 7 सीटों पर 15-20% मुसलमान है, तो 11-15% मुस्लिम मतदाता वाली 11 सीटें भी महाराष्ट्र में अहम है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जिस सीट से मैदान में है, वहां चुनाव की तारीख बदलने का संकट मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की टेंशन बढ़ गई है। अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान की तारीख बदल सकती है।
5 राजनीतिक दलों और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को खत लिखा है। खत में अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव टालने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में खराब सड़क और मौसम को चुनाव टालने की मांग का आधार बनाया गया है। 5 दलों ने कहा कि वो वोटर्स तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन महबूबा मुफ्ती इसके पीछे साजिश का शक जता रही हैं। जो पार्टीज इस इलेक्शन को डेफर करवाना चाहती हैं, वो सब बीजेपी की पार्टीज हैं। बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है, उनके पास फंड्स है, उनके पास पैसा है। हम जैसी पार्टी के पास तो इतना पैसा नहीं कि हम और 20 दिन इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। बीजेपी ने सीट पर अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। यहां सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच है।